हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी के अपने फैमिली ब्लॉग में। आशा करते सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप 15 अगस्त के ढेर सारे शुभकामनाएं आप सभी को। आज चलिए, आज 15 अगस्त से हम बनाते हैं तिरंगा बर्फी, बिल्कुल इजी तरीके से, वो भी सूजी के, बहुत टेस्टी। देखिए, अमन कल बैच बना के वो गया था, अपने स्कूल में फहरा के आ चुका है झंडा, अब मुझे पहना दिया है। बोल रहा है, मम्मी तुम बैच पहन लो, तो मेरा बेटा मुझे पहना दिया है। अब चलते हैं हम किचन में। अब देखिए, आ चुके हैं किचन में। इधर मैंने गैस जला के कढ़ाई रखी है गर्म होने के लिए। ये है बर्फी के लिए सूजी, एक कटोरी ले लिया है मैंने, और एक कटोरी छोटी कटोरी चीनी। ये हमारा फ्रूट कलर है हरा कलर, और ये पिंक ऑरेंज कलर। ये है घी 50 ग्राम के करीब। हम बनाते हैं। अब हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, पहले सूजी के रोस्ट कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, बाकी के घी हम बाद में ऐड करेंगे। पहले सूजी के हम भून के निकाल लेते हैं। देखिए, अब घी पघल चुका है, गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सूजी अपना डाल लेंगे, इसको रोस्ट कर लेंगे। देखिए, सूजी के हमारा कलर चेंज हो चुका है, इसको आराम से 5 मिनट लगा कलर चेंज होने में। अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। सूजी हमारा खाली हो चुका है कढ़ाई। इसमें मैंने जिस कटोरी से लिया है था सूजी, उसी कटोरी से 3 कटोरी दूध है, इसको डाल देंगे। अभी ये दूध उबाल आने तक इसको उबाल आ जाएगा, उसके बाद में हम इसमें सूजी डालेंगे। हम तिरंगा कलर बना रहे हैं, इसीलिए दूध के यूज कर रहे हैं कि इसमें दूध व्हाइट हो। देखिए, दूध में हमारा उबाल आ रहा है। अब इसमें अपना चीनी ऐड कर देते हैं, चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए। इसको चला लेंगे 1 मिनट। चीनी हमारा देखिए अब जल्दी घुल जाएगा, क्योंकि दूध उबल रहा है। अब इसी में ये सूजी जो हमने रोस्ट करके निकाला था, इसको हम ऐड कर देंगे चलाते हुए। इसको पका लेते हैं पूरा दूध सोख होने तक, जब तक हमारा दूध सूजी अच्छा से पक ना जाए, तब तक चलाते हुए इसे पका लूंगी। अब देखिए, दूध सूख चुका है। ये दूध में बनाते भूखता बहुत है सूजी। अब इसमें जो हम बाकी के घी रखे थे, वो घी इसी में ऐड कर देंगे इसी टाइम। गर्म में मिक्स हो जाएगा। देखिए, टाइट हो चुका है। अब गैस के मैं बंद कर देती हूँ। इसको 3 भाग में हम बांट लेते हैं। इसके लिए मैं बॉल निकाल, निकल चुका है 3 जगह। बाकी के हम इसी में भी रहने देते हैं, व्हाइट कलर बनाने के लिए जो है। इतना 3 3 हिस्सा हो चुका है, देख सकते हैं, पूरा बराबर में बांट लिया है। अब एक में हम ऐड करेंगे ये अपना फ्रूट कलर हरा। आइए, लिखी वाला आप ले सकते हैं जैसे, तो मैंने ये सूखा कलर था, तो थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाल के इसको लिखीज वाला बना दिया है। अब गर्मी में मिक्स करें, अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा कलर। अब इसको हम करते हैं साइड में, अब दूसरा कलर को मिक्स करते हैं।
ये भी ऑरेंज वाला भी मिक्स हो चुका है। अब हम बर्फी बनाने के लिए, मेरे पास तो वो है नहीं बर्फी, तो ऐसा आपके पास टिफिन हो इसमें हम घी लगा देंगे। घी लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर देते हैं, क्योंकि गर्म है सूजी तो इसमें जाएगा तो आराम से हो जाएगा, हाथ से चाहे ब्रश से ऐसे कर दे। बाकी क्या, पहले हम ऑरेंज कलर के डाल देते हैं नीचे, इसको फैला लूंगी। देखिए अच्छा से मैंने बर्फी वो फैला दिया है नीचे ऑरेंज कलर। अब नीचे रखे चाहे ऊपर रखे, लेकिन बीच में रहना चाहिए व्हाइट। अब इसको भी हाथ से चाहे चम्मच से फैला दे व्हाइट कलर को भी। चम्मच से इसको भी, थोड़ा गर्म है, आराम से सिर्फ देखिए। अब ये भी दोनों हम दो लेयर लगा चुके हैं। अब इसमें हरा कलर, ये जो है हरा कलर को इसी पे रख देते हैं। ये गर्म ही रखे, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो फिर नहीं फैल पाएगा। देखिए 10 मिनट सेट होने के बाद हमारा बर्फी के कलर कैसा दिख रहा है देख सकते हैं, कितना अच्छा इसका लुक आया है, देखने में बहुत मस्त कलर आया है। इसमें से हम एक एक काजू रख देते हैं, इसके में और चार चांद लग गए। देखिए कितना सॉफ्ट बना है देख सकते हैं, हमारा बन चुका है तिरंगा कलर का बर्फी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है कलर, आप भी बनाइए। दोस्तों मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 15 अगस्त के ढेर सारे शुभकामनाएं आप लोगों को। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, 15 अगस्त मनाइए। हम भी अब जा रहे हैं मनाने के लिए। देखिए हमारा बन चुका है तिरंगा बर्फी, अब बच्चे लोग टेस्ट करेंगे। अजय दीजिए, हमारा ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।